बताओ किधर है इमामदीन का घर? इमामदीन का घर अभी आ गया, सीधा चला। रानो ऐसा तो फिल्मों में होता है, तू ज्यादा फिल्में ना देखा कर। फिल्मों की कहानी भी तो जिंदगी से लेते हैं ना लोग। तो कहानियों के किरदार भी तो फर्जी होते हैं ना। तो तू भी फर्ज कर लेना कि वो मेरा है, मेरा इंतजार करता रहता है, मेरे बारे में सोचता रहता है। ऐसे सोनी महिवाल ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। महिवाल सोनी की तस्वीरें बनाता था और सोनी महिवाल का कच्चे घड़ों पर नक्श खोदा करती थी। और एक दिन सोनी ना उसी कच्चे घड़े पे तैरती हुई डूब गई थी अपने महिवाल के नक्श के साथ। वो सोनी थी और मैं रानू। वो भी महिवाल था, मीर साहिर नहीं। रहने दे, अब आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे तो लगता है कि मैं इसी तरह एक दिन चुपचाप बैठी होंगी और वो आ जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, हाय, और कहेगा, रानू तू कहाँ थी, मैं तो तुझे। रानू दस्तक हो रही है, दरवाजा खोल। क्या कहा? कोई बाहर आया, जाके दरवाजा खोल। यहाँ कौन आएगा? जरूर अम्मा का कोई रिश्तेदार ही आया होगा। चल तू देख लेना। जाके तंग करने के लिए। कौन? हाय शहजादा। जी दानो कौन आया? शहजादा जी आपको किससे मिलना है? जी वो मैं चाबियां लेने आया हूँ। कौन सी चाबियां? ये खतीजा आंटी का ही घर है ना। जी ये उन्हीं का घर है। रानो अरे भाई किससे बातें कर रही हो? कौन आया है? अब्बा वो। अरे ये साहिर आप कैसे तकलीफ की आपने? जी वो आंटी के पास हवेली की चाबियां हैं, मैं असल में वही लेने आया हूँ। ओ तेरा बेड़ा तर जाए खदीजा। अरे तुम खड़ी क्या देख रही हो? चलो अंदर चलो, उनको बाहर खड़ा किया हुआ है, चलो अंदर। आई 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 मेरी बड़ी खुश नसीबी जो आप तशरीफ लाए। बैठिए तशरीफ बैठिए बैठिए। मीर जी अगर सिर्फ चाबियों की बात थी तो आप मुझे हुक्म कर देते, मैं खतीजा से चाबियां लेके पहुंचा देता। क्यों अंकल, मैं आपके घर नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं, जब जब आए आप, आपका अपना घर है। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप आई नहीं आज? बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। माफ करना मीर जी, ये हमारा गरीब खाना आपके शायान शान तो नहीं है, बस ऐसे ही गुजारा सा है। अरे नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। भाई कितना सोना है ना मीर साहिर।
तू बस कर, तू क्यों इतना वो हो रही है? तू तो ऐसी कह रही जैसे तेरे लिए रिश्ता लेके आया है। अच्छा सुन, ये कहाँ गायब था? इतने अरसे में तो कभी नजर नहीं आया। लो हमें क्या पता कौन आता जाता है हवेली में। मेहमान होगा है ना, कहीं हवेली का ये मेहमान तेरे दिल का मेहमान तो नहीं बन गया? पागल हो गई है? चुप कर, आंखें तो उसकी ऐसे खुल रही थी तुझे देख देख के जैसे वो। बकवास मत कर शन्नो, वो तो सिर्फ चाबियां लेने आया है, चाबियां लेके चला जाएगा। वैसे एक बात बताऊं शन्नो, पता है मुझे उसे देखकर क्या लगा? क्या? पता नहीं, अगर जो भी लगा ना वो इससे पहले कभी भी नहीं लगा। चल रानू, तू तो गई काम से। रानो चाय बन गई है तो जल्दी ले आ, वीर जी ने जल्दी जाना है। हाँ हाँ लाई लाई, निकाल निकाल कब से। माँ जी गुस्सा तो नहीं हो रही थी? अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल नाराज नहीं है, उन्हें मालूम है कि आपकी तबीयत खराब है, बस मुझे तो सिर्फ यही कहा है कि आपसे चाबियां ले लें। चीनी कितने चम्मच? मैं दे देती हूँ। रहिला वैसे अच्छा किया कि आ गई, बड़े दिनों के बाद याद आई तुझे मेरी। अरे तुम्हें पता तो है परसों ही तो आई हूँ मैं कनाडा से वापस। हाँ, और ये रहा तुम्हारा बैग। वैसे एक बात है रहिला, तू है बड़ी अच्छी। सुन, तेरा शौहर भी तेरे साथ गया था? हाँ, वो तो हर जगह मेरे साथ ही जाते हैं, उनकी एक मीटिंग थी वहाँ पे, वो सारा दिन मीटिंग करते रहे और मैं सारा दिन शॉपिंग करती रही। वैसे तू है बड़ी लकी, लेकिन जो मेरा दानियाल है ना वो तो मुझे इस्लामाबाद तक नहीं लेके जाता। बड़ी टेंशन में रहती हूँ मैं, मुझे तो लगता है कि कहीं उसका कोई चक्कर है। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अक्लमंदी से काम लिया करो, शौहर को मुट्ठी में करना तो औरत के बाएं हाथ का खेल है। अरे हाँ करती तो हूँ, कपड़े शपड़े सब डिजाइनर पहनती हूँ और जूते ब्रांडेड पहनती हूँ मैं, ये देख मेरी चप्पल। कपड़ों और जूतों की बात छोड़ो, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि शौहर को थोड़ा सेंसिबली डील किया करो। कौन सा डील? अरे दिमाग से काम लिया करो, उसके आगे पीछे फिरा करो, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ, तुम रौनक हो इस घर की। अरे बातों बातों में तो ये पूछना भूल ही गई कि तू पिएगी क्या? ब्लैक कॉफी है तुम्हारे घर? कॉफी तो ब्लैक ही होती है। आई मीन नो मिल्क नो शुगर। तो सीधी तरह बोलना कि दूध के बगैर पिएगी शादी वाली। वैसे थैंक यू वेरी मच, है तेरी कॉफी का भूल के आती हूँ। अच्छा जी अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। खैर से जा, माँ जी से बोल दीजिएगा कि मैं कल लाजमी आऊंगी। जी खदीजान मैं कह दूंगा, और चाय बहुत अच्छी। गरीब बंदा हूँ मीर जी, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चले अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं छोड़ के आता हूँ, आइए। चलो अंदर चलो। भाई खतीजा तुम ये कमाल करती हो, अगर छुट्टी करनी थी तो कम से कम चाबियां तो दे आती ना, बिला वजह मीर साहिल को तकलीफ करनी पड़ी यहाँ चाबियों के लिए। हाँ बस मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, इस बहाने आ गए हमारे। मेरे को अच्छे से कपड़े निकाल दे, वो अफजल के बेटे के दिन लेने जाना है मुझे। अच्छा thank you.
क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही है आज। और खुशबू भी काफी अच्छी लगाई है। अच्छी है ना, वो रहीला आई थी उसी से मंगवाया है परफ्यूम, अच्छी भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी। सो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। जो भी कहते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए। आपको आ गया है ना, काफी है। बातों का मकसद क्या होता है कि मतलब बताना, और क्या? इस तरह तो खाने का मकसद ही पेट भरना होता है, मगर जली रोटी कोई नहीं खाता। ओ मेरे खुदाया, दाने लाभ भी ना, कहां की बात कहां मिला देते हैं। मैं खुशबू की बात कर रही थी और आप रोटी। खुशबू इंसान की बातों से आनी चाहिए, बातें चाहे खत्म भी हो जाए खुशबू नहीं जाती। इसीलिए आप मुझसे बात नहीं करते। मुझे हैरत होती है तुम पर सोभी। तुम एक सच्चे रिश्ते को बचाने के लिए झूठी चीजों का सहारा क्यों लेती हो? क्यों डर लगा रहता है तुम्हें कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमारे यहां औलाद नहीं है, और इसी बात का डर लगा रहता है तुम्हें कि शायद तुम मुझे इस वजह से खो दोगी। तो फिर कुदरत मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को दुख तकलीफ नहीं दी, तो फिर मैं ही क्यों दानियाल? देखो सुन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी जगह से तुम्हारा इलाज भी हो रहा है, और वैसे भी खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। और देखना तुम, इंशाल्लाह एक दिन ये घर बच्चों की रौनक से आबाद हो जाएगा, फिर देखना तुम, तुम्हारी सारी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। चलो अपना मुंह ठीक करो, हंसो और मुझे एक अच्छी सी चाय पिला। अभी लाई। क्या हुआ? सो गया, मुझे डर लग रहा है। क्यों, इस बात से डर लग रहा है? वीर साहिर को यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ तो तेरी अपनी गलती थी भाई, छुट्टी कर रही थी तो चाबियां देकर आती, उस बेचारे को ऐसी जहमत करना पड़ी। गलती तो हो गई, तेरे हाथ ही भिजवा देती तो वो यहां तो ना आते ना। क्यों, वो आकर क्या ले गए तेरा भाई? जिस बहाने भी आए मेहमान थे, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। हाँ, रहमत तो होते हैं, लेकिन जवान बेटियों वाले घरों में कभी कभी रहमत जहमत भी बन जाती है। पता नहीं क्या सोचती रहती है तू भी हर वक्त भाई। सरानों ने तो जवान होकर तुझे मुसीबत में डाल दिया है। चल जा, सो जा आराम से, मुझे भी आराम करने दे, अभी आंख बंद ही होने लगी थी कि तूने उठा दिया। इमामदीन, आंख बंद होने से पहले ही खुल जाए तो अच्छा होता है। तू कहना क्या चाहती है? आज जो रानू की आंखों में मैंने चमक देखी है, वो इससे पहले कभी नहीं देखी। देख खदीजा, रानू मेरी बेटी है, एक गरीब मुंशी की बेटी, वो अपने औकात अच्छी तरह जानती है। तो ऐसे ही अपने दिल में वसवसे ना डाल। चल शाबाश, सो जा चुप करके, अल्लाह खैर करेगा। रानू, एक बात कहूं? हाँ कहो।
तुम ऐसे मत मुस्कुराया करो। क्यों? मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। पल वो सारे पलकों पे रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। ये कहाँ गायब था? इतने अरसे में तो कभी नजर नहीं आया। लो, हमें क्या पता कौन आता जाता है हवेली में। मेहमान होगा, है ना? कहीं हवेली का ये मेहमान तेरे दिल का मेहमान तो नहीं बन गया? अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे शन्नो। जब तो